यदि कदी कालांतर आस्थान आयरन विशेष स्वभाव उत्पन्न लब्धि भवति। देखो भैया तारण समय कह रहे हैं कि यदि कभी इस 84 लाख योनियों में परिक्रमण करते हुए या फिर यह बात काहे का अनुरूपण चल रहा है, वायु काहे का जीव होने के बाद यदि कभी इस जीव का विशेष पुरुषार्थ जगने का काल आ जाए, इसकी अंतर लब्धि प्रकट होने का समय आ जाए और ये एक इंद्रिय पर्याय से चय करता हुआ वायु काय से बाहर निकल के एक इंद्रिय पर्याय को चय करता हुआ, यदि ये कभी जीवात्मा अपने विशेष स्वभाव की स्वीकारता से मनुष्य भाव को पाने के बाद अपने स्वभाव के पुरुषार्थ को उछाले, लिखा है आयरन विशेष उत्पन्न लब्धि, अपने आत्मा के अनुभव को प्रकट करें। देखो ये बहुत दुर्लभ है, लेकिन एक इंद्रिय पर्याय में जाने के बाद वायु कायिक में जाने के बाद वहां से निकलना बहुत दुर्लभ है और वहां से निकल के आचरण अपने स्व स्वभाव में। देखो तारण स्वामी का कहना क्या है कि कालांतर अनंत काल के व्यतीत होने के बाद अपन मनुष्य गति में आ गए, वायु कायिक आदि से निकल के आ गए कि नहीं आ गए। यदि इस स्वभाव को स्वीकार करके यदि अपन तदी कालांतर निकले, अपन तो निकल के आ गए, वो जीव यदि वहां से निकले तो क्या करेगा भैया मोक्ष जाने के लिए क्या करेगा? आस्थान आयरन स्वभाव क्या करेगा? अपने स्व स्वभाव में आचरण करेगा, ग्रहण उसे ग्रहण करेगा भैया, ग्रहण ग्रहितम क्या ग्रहण करेगा? अनंत चतुष्टय। देखो भैया अपन मुक्ति मुक्ति से चिल्ला रहे हैं, आत्मा आत्मा से चल रहा है, लेकिन उस आत्मा को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं। और यदि कोई पुरुषार्थी जीव अपने स्वभाव के बल से एक इंद्रिय पर्याय से निकल के आए और अपने स्वभाव को ग्रहण करे, लिखा ना ग्रहण, ग्रहण लिखा नहीं लिखा, क्या लिखा? आयरन स्वभाव ग्रहण, स्वभाव में आचरण को ग्रहण करे, फिर लिखा ग्रहण, इसी स्वभाव को ग्रहण करके ग्रहितम अनंत चतुष्टय, अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव की क्या करे? दर्शन। अनंत चतुष्टय स्वभाव दर्श क्या करें बताओ तो? अरे कह तो रहे तान स्वामी कि अनंत काल से भटकते भटकते तुम निकल आए, अब क्या काम है तुम्हारा? कह लगे अपने स्वस्थान में आचरण करने रूप अपने शाश्वत स्वभाव ग्रहण करके अनंत चतुष्टय स्वभाव को अंदर में दर्श ज्ञान चारित्र क्या करें? दर्शन के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, चारित्र के माध्यम से इसकी आराधना करें। अपन चिल्ला तो रहे कि मेरा स्वभाव अनंत चतुष्टय में है, लेकिन दर्शन का पता है, ज्ञान का पता है, चारित्र का पता है कि नहीं? देखो चैलेंज है एक तरीके से, हम आपको जो कहना चाह रहे हैं शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपको थोड़ा सा उपयोग लाना पड़ेगा हमारी बात समझने के लिए। हम क्या कह रहे हैं, ये चैलेंज है अपने लिए। तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, यदि कोई भव्य जीव उस दुर्गति से निकल के आए, वायु काय के पर्याय से निकल के आए और स्व स्वभाव को ग्रहण कर ले, ग्रहण उसी को ग्रहण करने की भावना आए, ग्रहितम और उसी को ग्रहण करके क्या करे? अनंत चतुष्टय स्वभाव दर्श क्या करे? अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव का दर्शन, ज्ञान चारित्र क्या करे? दर्शन के द्वारा, सम्यक दर्शन के द्वारा, सम्यक ज्ञान के द्वारा, सम्यक चार के द्वारा उस स्वरूप की साधना करे तो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त माना जाए। क्यों? क्योंकि आत्म स्वभाव जो अपने रत्नत्रय में स्वभाव है वो रत्नत्रय से परिपूर्ण है, और यदि भव्य आत्मा अपन उसकी साधना नहीं कर रहा है, अपन उसकी आराधना नहीं कर रहा है, उसकी ओर अपना उपयोग नहीं लग रहा, तो फिर काय के साधक कौन से साधक, काय के साधक? चिल्लाता रहा अनंत चतुष्टय में मैं आत्मा हूँ, अनंत चतुष्टय में मैं आत्मा हूँ, अनंत चतुष्टय में मैं आत्मा हूँ, अनंत चतुष्टय में मैं आत्मा हूँ। अरे अनंत चतुष्टय में आत्मा हो तो तुम्हारा दर्शन कहाँ है, ज्ञान कहाँ है, चारित्र कहाँ है? कि आत्मा तो दर्शन ज्ञान चारित्र में है कि नहीं है? अनंत चतुष्टय में आत्मा कैसा है? दर्शन ज्ञान चारित्र में है। तो तारण स्वामी कह रहे वो अनंत चतुष्टय में आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र में है, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? वो ज्ञान चारित्र में आत्मा दिखाई दे रहा है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या होगा?
तो ज्ञान चारित्र और दर्शन अपना सम्यक होगा, उत्तम मुक्ति का मार्ग बनेगा। पहले तुम ये बताओ कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात तो बाद में करेंगे, पहले तुम बताओ कि आत्मा जो अनंत चतुष्टय में है वो दर्शन ज्ञान चारित्र में, क्या वो तुम्हें ज्ञानमयी में आत्मा, दर्शन में मैं आत्मा, चारित्र में मैं आत्मा, कि वो आत्मा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? दर्शन ज्ञान चारित्र में अपना आत्मा दिखाई दे रहा है कि नहीं? दर्शन ज्ञान चारित्र, अरे जागता खाता पीता सोता रहे, चैतन्य में ज्ञान में दर्शन में चारित्र में कैसा दिखाई दे रहा है? परिभ्रमण करके निकले आस्थान आयरन स्वभाव, अपने स्वभाव में आचरण प्रकट करें, देखो अच्छे से मिलाते हैं ना है, और अपने स्वभाव में आचरण करके क्या करें भैया? स्वभाव ग्रहण, स्वभाव को ग्रहण करें, ग्रहण उसी को ग्रहण करके, ग्रहण उसी को ग्रहण करने की भावना से ग्रहितम, उसी स्वभाव में रत होके अनंत चतुष्टय, अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव को जाने कि मेरा अनंत चतुष्टय में स्वभाव कैसा है? दर्शन ज्ञान चरणम कैसा है? मेरा अनंत चतुष्टय स्वभाव ही दर्शन में है, ज्ञान में है और चारित्र में है। यदि कोई ऐसा जाने तो भाई अभी अपनी भूमिका है आगते शावक की, अभी अपन भेद रूप ही जान रहा है मेरा स्वभाव कैसा है, दर्शन में है, ज्ञान में है और चारित्र में है। और जब ऐसा जान के अपने स्वरूप की साधना करेगा तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र क्या प्रकट हो जाएंगे? तो उसके ज्ञान दर्शन और चारित्र तीनों सम्यक हो जाएंगे, मतलब अभेद रत्न तरह की प्राप्ति हो जाएगी। अभी अपन भेद में रूप में क्या है कि आत्मदर्शन में है, ज्ञान में है, चारित्र में है, लेकिन जब अपन इसी को अनुभव में जान के और चारित्र की दशा में आएंगे, अनुभूति की दशा में जाएंगे, तो आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पिंड है। और कैसा है? अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत वीर अनंत सौ, कैसा आत्मा? अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत वीर अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय का धारी। वही देखो लिखा तो था समझ में, देखो बिल्कुल साधन दशा में क्या होगा? ग्रहितम ग्रहण होगा, क्या कि मैं अनंत चतुष्टय स्वभाव वाला हूँ, दर्शन ज्ञान चारित्र में हूँ। अभी ये सब भेद विकल्प रूप जानने में आएगा, स्वीकारते में आएगा, अनुभव में आएगा कि मैं तो रत्नत्रय में हूँ। और जब ऐसा अनुभव करोगे तो अभेद सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप प्रकट होगा। बताना समय क्या कह रहा है? अरे देखो तो, देखो तो, देखो तो कहाँ देख रहे हो तुम? अरे अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र में, अर्थात अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत वीर और अनंत शोक में आत्मा का चतुष्टय स्वभाव है। कह रहे हो कि अनंत चतुष्टय में हूँ, स्वीकार तो करो, अनुभव तो करो कि वो अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर मेरा ही स्वभाव है। इससे क्या होगा भैया? श्री सम्यक दर्शन, श्रेष्ठ सम्यक दर्शन, श्री सम्यक ज्ञान, श्रेष्ठ सम्यक ज्ञान, श्री सम्यक चारित्र, श्रेष्ठ सम्यक चारित्र, बल वीर विज्ञान, और आत्मा का अनंत बल वीर और विज्ञान, मतलब केवल ज्ञान, अर्थात आत्मा का विज्ञान धन स्वभाव प्रकार हो जाता है। अगला पेज दीजिए, क्या कह रहे हैं? वो तो मिला जाएंगे सब, ऐसा प्रकट होगा तो पहले मिला लो भगवान। ये गाथा यदि अपने को स्वीकार हो गई, तारा स्वामी ने जो यहाँ लिखा है, ये गुण जो स्वीकार हो गए, देखो अच्छा, देखो तारा स्वामी एक बात को कितने वाले का, देखो अनंत, देखो पहले मैं ही मैंने दर्शन ज्ञान चारित्र लिख दिया जी, सत्ता अपेक्षा से आत्मा का स्वभाव, फिर उसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र लिखा जी, कि भाई साधना अपेक्षा से, फिर क्या लिखा? अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत वीर अनंत शोक, फिर आत्मा की उस उन्हीं गुणों की पूर्णता को लिखा, चतुष्टय स्वभाव को लिखा, उसके फिर क्या लिखा है? श्री सम्यक श्रेष्ठ सम्यक दर्शन श्रेष्ठ सम्यक ज्ञान श्रेष्ठ सम्यक चारित्र पूर्ण अभेदता साधु दशा में
वल अनंत वल वीर विन्यास, अरे जैसे अरिहंत परमात्मा अपने अनंत वल अनंत वीर अपने केवल ज्ञान के विज्ञान का अनुभव कर रहा है, जैसे वीरता के साधु भी जैसे शेष समय ज्ञान शेष समय दर्शन शेष समय चरित्र में अभेद रत्नत्रय में अपने ऐसे अनंत चतुष्टय में वल वीर से संयुक्त अपने विज्ञान धन केवल ज्ञान का अनुभव कर रहा है। और जो ऐसा अनुभव कर रहे हैं उनके जीवन से सख 17 सख है, सल 3 सल, भय संसार में भयविकपना, गौरव अहंकार, राग संसार का राग, दोष सारे अज्ञान में दोष रहित, घाती कम आवरण विली, उनका क्या बुला जाएगा? घाती कर्म का आवरण बुला जाएगा। कब 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 ये मूल है, ये समझ में आए कि नहीं आए? तारण स्वामी कह रहे हैं कि यदि तुम्हें 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से छूटना है तो क्या है भैया कि श्री सम्यक ज्ञान श्री सम्यक दर्शन श्री सम्यक चरित्र, ये बताओ श्रेष्ठ क्या है? जी जी अगला पेज क्या है श्रेष्ठ? और यदि सम्य दर्शन ज्ञान चार श्रेष्ठ है तो बल वीर विज्ञान अनुभव काय कर रहा है? बल वीर विज्ञान काय का? देख लो भगवान जी अनंत बल अनंत वीर, अरे केवल ज्ञान का विज्ञान, अरे देखो हम सरल भाषा में कहे भेद विज्ञान के बल से वेद विज्ञान के बीजारोपण से क्या सम्यक के पुरुषार्थ से क्या कर रहे हो? श्रेष्ठ सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के धारी अरिहंत परमात्मा जो अनंत चतुष्टय के आनंद में ही रत हैं उनके वो कैसे भैया? शक रहिता, सल रहिता, भय रहिता, गौरव रहिता, राग रहिता, दोष रहिता, घाती कर्म रहिता, ये अरिहंत दशा है। तारण स्वामी की अरिहंत पदवी मान, ये अरिहंत दशा है, ये सिद्ध ये अंतरात्मा की अमृत आनंद की दशा है। क्या कह रहे हैं? घाती कम आवरण भी घातीय कर्मों के आवरण से रहित ये आत्मा का वीतराग स्वभाव है। आपने वो स्वीकार कि नहीं? देखो लिखा सख सल भय कारम राग दोष रहित घाती कम आवरण विली, इन सब इन विकारों से रहित जो है अरिहंत दशा वो घातीय कर्म से रहित है। और देखो तो उत्पन्न विली संसार में जन्म मरण होना विला जाएगा, भुक्त विली संसार का भुगतान करना विला जाएगा, विनंद विली संसार के सारे दुख विला जाएंगे, सुपन विली संसार के सारे स्वप्न कल्पनाएं विला जाएगी, अनमोद ज्ञान अबलबली विषय गली। क्या कह रहा है? अपने अनंत बलवान पर के लिए अवल अपने अवलबली स्वभाव की ज्ञान स्वभाव की अनुभव न करोगे तो इंद्रिय विषय गली क्या होगा? तारण स्वामी की बात मान जाओ कि नहीं मान रहा है? अवल अवल पर के लिए अवल, खा नहीं सकता, घूम नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, सो नहीं सकता, जा नहीं सकता, बोल नहीं सकता, वली स्वयं के लिए बलवान, तीन लोग को जान सकता हूँ, तीन लोग को देख सकता हूँ, अनंत चतुष्टय का अनुभव कर सकता हूँ, पूर्ण केवल ज्ञान अरिहंत दशा सिद्ध दशा प्रकट कर सकता हूँ, अपने लिए बली पर के लिए अवल, पुद्गल का एक परमाणु भी नहीं ला सकता, और अपने लिए लोकालोक प्रकाशित कर सकता हूँ, अवल बलि सिद्ध भगवान की दशा होती है। वाह अनंत बलवान सिद्ध पर क्या करता है? वो स्वयं के शाश्वत तत्व के स्वामी है। ऐसे ही यहाँ आचार्य श्रीमद् चिंतारण स्वामी कह रहे हैं अवल बलि निहार अनुमोद, क्या करना है? अनुमोद निहार अवल बलि क्या करना है? पर से रहित पर की शक्ति से रहित अपने बल वीर से अपने बल वीर विज्ञान से संयुक्त पल के कर्तृत्व भाव से रहित और अपने बल वीर से
परिपूर्ण भैया ऐसे अवलवली स्वभाव के उत्पन्न होने से क्या होगा? विषय गली, ये जितना इंद्रिय विषय है ना सब का सब अपने आप गल जाएगा, अपना शाश्वत द्रुप्त काली जाया ज्ञान में स्वभाव उत्पन्न होगा और आनंद परमानंद की दशा बनेगी भैया अंदर, है कि नहीं स्वीकार? यदि ये सत्य स्वीकार है तो फिर मुक्ति है, और ये सत्य स्वीकार नहीं है तो फिर अनंत संसार है। क्या करना है? मुक्ति स्वीकार करना, उसके प्रति लगन गहरी करना है। तो यही कारण स्वामी का उद्देश्य है कि ये जीव अपने अवलवली ज्ञान स्वभाव की अनुभव न करे, और अपने अवलवली ज्ञान स्वभाव की अनुभव न करे तो भैया क्या होगा? जैन केन अस्थान आयरन स्वभाव उत्पन्न स्वभाव ज्ञान अनुमोद। क्या लिखा है? जैन केन, क्या लिखा है इसका अर्थ क्या होगा? जब कभी स्वस्थान निराचरण स्वभाव उत्पन्न होगा, पढ़ो पढ़ो अर्थ निकालो जल्दी, अर्थ चाहिए क्या होगा? स्वस्थान में आचरण स्वभाव उत्पन्न ज्ञान में अनुमोदना। कितना सरल है, जैन केन, जैन मतलब जो कोई, केन कोई, जो कोई जीव, या जैसे कर करके प्रसाद करके स्वस्थान आयरन, यदि कोई जीव अपनी पूरी शक्ति लगा के, पूरा बल वीर लगा के, पूरा प्रसाद लगा के, जैन केन अस्थान आयरन, यदि कोई जीव अपने स्वभाव में आचरण करे, स्वभाव उत्पन्न, अपने आत्म स्वभाव को उत्पन्न करे, उत्पन्न स्वभाव अपने ज्ञान में स्वभाव की अनुमोदना से इसी का बल जगा ले, आत्म तत्व के पुरुषार्थ को जगा ले, तो जैन केनापि वो विषय जीव आयरन स्वभाव मुक्ति गता। क्या करेगा? अपने आचरण स्वभाव से मुक्ति में गमन करे, अपने स्वभाव के आचरण से मुक्ति को प्राप्त होगा। वो जो कोई जीव भी ऐसा अंतर पुरुषार्थ जगा ले, अपने अंतर के बल को जगा ले, अपने अंतर पुरुषार्थ से उस सत्ता को जान ले, तो क्या कह रहा था स्वामी? मुक्ति गता। कहां जाएगा? मुक्ति से कौन जाएगा? जीव, कौन सा जीव? स्वयं जो अंदर खुद की आत्मा, यदि ऐसा पुरुषार्थ करे तो वो जीव जो ऐसा करे जिसको इतना पुरुषार्थ जाग जाए वो श्री सम्यक दर्शन, श्री सम्यक ज्ञान, श्री सम्यक चारित्र, ऐसी अंतर अनुभूति, श्रेष्ठ ज्ञान दर्शन की अनुभूति करे, तो वो जीव भैया क्या करेगा? अपने बल वीर सम्यक दर्शन और ज्ञान के बल पे विज्ञान, केवल ज्ञान के विज्ञान का अनुभव करते हुए, सत्रह शक आदि से, सल से, भय से, गारा से, राग दोष से रहित होके, घात्याकरण से छूट के, वो जो जीव पुरुषार्थ करेगा, उसका संसार में उत्पन्न होना, संसार का भुगतान करना, दुख स्वप्न संसार की सारी अज्ञानता विलय जाएगी, और अपने अवलवली। अब आप बहुत पीछे जा रहे हैं, सत्रह शक तारण स्वामी ने सत्रह शक दिए हैं, ये जोड़ा है विकार भाव। कौन कौन से विकार भाव का भैया? जनरंजन, कलरंजन, मनरंजन, मिथ्या, भय, सल, मोह, माया, ये सबका पूरा जोड़ा है, विकारी भाव का जोड़ा। यदि इनके नाम आपको देखना है तो आगे विषय वस्तु में भी लिखे हुए हैं, और यही पीछे दो पेज पीछे पलटाओगे तो यहाँ भी लिखे हुए हैं। तो ये सत्रह शक के नाम है, जैसे ज्ञान वर्णन, दर्शन वर्णन, मोह अंतराय, ये पूरा सत्रह शक का जोड़ा है। अभी शक अकेला लिख दिया मतलब वो पूरा पूरा जोड़ा, जिसकी अपनी इतने दिन से चर्चा चल रही है कि वो पूरा का पूरा मिला जाए, और ये जीव क्या करेगा भैया? उन अज्ञान इंद्रिय विषयों से, उन पाप और पुण्य प्रकृतियों से मुक्त होके, और अपने विज्ञान में केवल ज्ञान स्वभाव को प्रकट कर लेगा। लेकिन अनुमोदना तो कर लो भगवान जी कि तारण स्वामी वायु का ऐसे बचा रहे हैं। तो हम एक कहानी सुना है छोटी सी, अपन घर पुत्र परिवार में रथ हो रहा है ना, तो ये अपने को घर वाले पुत्र, देखो उपचार से कथन है, अशुद्ध व्यवहार ने से जीव तो अपनी रुचि से जाता है, लेकिन अशुद्ध व्यवहार ने से कथन कि आपको आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपके समाज वाले आपको वायु काय में धक्का दे रहे हैं, और तुम
और आप भी अनादिकाल से आप भी दूसरों को अपने पुत्र को बहुत प्रेम करते हो ना, तो अपने पुत्र को पुत्री को बहुत प्रेम करते हैं। अरे भगवान जी, तुम अपने हाथ से अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने घर वालों को वायु पाए में रखकर दे रहे हैं। हमने पहले काम उल्टा कथन कर रहे हैं, अशुद्ध व्यवहार नहीं का कथन है, उपचार कथन बिल्कुल। खुद भी यार है, सबको ले जा, हमको डूबे तो डूबे तुम्हें भी डूबे। हाँ, वही बात है भगवान कि तुम आगे कैसे बड़े पाओ तो हम खींचेंगे। कि क्या कह रहे हैं भगवान जी, देखो तो अपनी क्या गजब की परंपरा है कि आप और हम क्या कर रहे हैं भैया, अपन भी दूसरों को डुबा रहे हैं, खुद डूब रहे और खुद डूब रहे हैं, या फिर ऐसा कहो घर पुत्र परिवार ये सब अपने को वायु काय में धक्का दे रहे हैं, तारण स्वामी बचा रहे हैं, फिर भी अपने को तारण स्वामी की बात समझ में नहीं आ रही, घर परिवार समाज वालों की बात समझ में आ रही। फिर का है? छोड़ दे। क्या कह रहे हैं आप कि हमारे को समाज वालों की बात समझ में आ रही है, घर वालों की बात समझ में आ रही है, परिवार वालों की बात समझ में आ रही है, पुत्र परिवार की बात समझ में आ रही है, तो ये सारे जीव मिलके धक्का दे रहे हैं तुम्हें कहां, वायु काय। कह रहे जा बेटा तुम वायु काय में जाओ और उड़ते रहो। तुम बहुत उड़ रहे हो, तुम उड़ते रहो। भैया जी ये बोला है आपसे, जैसे मतलब आप प्रवचन कर रहे हैं ठीक है ना, और जैसे कुछ जाप कर रहे हो या खुद के मन स्वाध्याय कर रहे हो, उसमें क्या कुछ लगता है? हमें कल रात में इसका सब तुम आते नहीं, रात में रात में हमने इसका समाधान दिया था, एक सेकंड में देंगे, अब रात में तो आधे घंटे दिया था, अब एक मिनट में खत्म करेंगे इस बात को कि यदि धर्म उपदेश चल रहा है, जिनवाणी चल रही है, मंदिर भी चल रही है, उस समय यदि कोई अपनी क्रिया कर रहा है तो वो जिनवाणी की आराधना के इसमें आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जिन भगवान के समोषण के उद्देश्य श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि भैया वो उसे पुण्य आश्रव भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो सामूहिक बैठ के आपको नाश्रव होता है, जो अपन भक्ति भगवान से जिन भगवान की धर्म की प्रभावना करते हैं, उस समय जो पुण्याश्रव होता है उतना पुण्याश्रव स्वयं गुटर गुटर करने में है नहीं। तो क्रियावादियों को धर्म कभी नहीं होता, धर्म होता है हमेशा अध्यात्म परक चेतना की मुखता। और इसको आपको विस्तार से सुनना, कल रात में जाए, कल रात की चर्चा में जाए, वहां आपको मिलेगा विस्तार से। तो अपन क्या क्या है कि जैन केनापि जीव आयरन स्वभाव, जो कोई जीव केनापि लिख दिया मतलब विशेष हो गया, केनापि लिख दिया मतलब विशेष हो गया, हर किसी को नहीं मिलेगा ये चर्चा तो सब सुनेंगे, लेकिन कोई विशेष जीव ऐसा प्रसार जगा के आयरन स्वभाव स्वभाव में आचरण करके मुक्ति गाता, वो उड़ जाएगा और बाकी भैया देखते रह जाएंगे क्या करना है क्या करना है क्या करना है। कोई विशेष जीव उड़ जाएगा, तारण स्वामी जैसा कोई बिरला जी, अपने स्वभाव को स्वीकार करने वाला कोई बिरला जी उड़ जाएगा, और जो भैया स्वीकार नहीं कर पा रहा तो 84 लाख में भटकेगा। अपन कौन से वाले में? जैन केन में, जैन केन आप ही में तो स्वीकार कर चुके आप कर चुकी तो किम विशेष में तो नहीं ऊपर किम विशेष था स्वीकार कर चुके कहीं नहीं जाना। अरे किम विशेष में तो नहीं हो, किम विशेष किम विशेष में हो तो किम विशेष में लिखा था जाता अनिष्ट अनिष्ट व्रत तप क्रिया कलिष्ट अनिष्ट तप दान पूजा कलिष्ट अर्थ विद्या व्याकरण शोक सांग दर्शन बहुत पुराण पढ़ना सूर्य चंद्रमा की सब बातें जानना बहुत सारा सूत्र का ज्ञान प्रकट कर लेना व्रत तप क्रियाओं कोई धर्म मानना इनमें तो नहीं है। किम विशेष में नहीं है लक्ष्य बना के चले शुरू से। अच्छा यदि अपन किम विशेष में नहीं है जैन के नापी जीव में है मम विशेष तो भगवान देखो तारण स्वामी की बात देखो तो आप बताओ ऐसे गुण सिद्धांत तारण स्वामी ने यहाँ जो ये अपन 24 थाना पढ़ा है कितने गुण सिद्धांत और कितनी सरलता से दे दिए। एक बात को सिद्ध करने के लिए कैसे भी मतलब सिद्ध हो
अपने स्वभाव की सिद्धि कैसे प्राप्त करें? हम कह रहे हैं आप 50 यानी इस संसार के जितने 24 ठाणा है सब सामने ला कर रख लो, आपको बुद्धि ज्ञान का विकास अधिक होगा। और तारण स्वामी का 24 ठाणा ला कर रख लो, आपको आत्म स्वरूप के अलावा और कुछ मिलने वाली नहीं। जल्दी ग्रंथ में कोई वो तो सभी ग्रंथ अद्वितीय है, लेकिन अभी वांछना 24 ठाणा का चल रहा है, तो तारण तरण 24 ठाणा उठाओ तो आपका बौद्धिक विकास तो होगा ही होगा, बुद्धि में तत्व का निर्णय रूप विकास हो गया होगा, लेकिन सम्यक बौद्धिक विकास होगा। और बाकी 24 ठाणा उठाओ उनमें भी सम्यक है, वस्तुओं का स्वरूप है, लेकिन आध्यात्मिक चेतना का वैसा विकास नहीं हो सकता जैसा विकास यहां हो रहा। एकमात्र स्वभाव की अनंत गहरी पकड़ होगी, ऐसी गहरी पकड़ कि जहां मात्र तारण स्वामी कह रहे हैं कि अपने अवलवली वीतराग भाव को स्वभाव के आचरण ग्रहण करोगे तो स्वभाव अनमोद, स्वभाव की अनुमोदना करोगे तो अनंत सुख क्या होगा? अनंत सुख मिल जाएगा, मुक्ति का सोपान मिल जाएगा। और आत्मा कैसी है देखो, देखो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख, श्री सम्यक दर्शन, श्री सम्यक ज्ञान, श्री सम्यक चरित बल, वीर विन्यास, ये सब विज्ञान धन अपना स्वभाव है। बताओ तारण स्वामी के साथ होके बात काय में परिभ्रमण करने का नाश करोगे? तारण स्वामी की बात भूल के घर वाले ढकेल रहा है, परिवार वाले ढकेल रहा है, और सही कहो तो अपनी अज्ञान रुचि से अपन खोल डूब रहा है कि वायु काय में जाकर डूबोगे? तारण स्वामी की बात सुन के इस 5,484,00,000 योनियों के परिभ्रमण से निकलो। कुछ नहीं कर सकता, हमने पहले क्या कहा, अशुद्ध व्यवहार जैसे बोल रहे हैं निमित्त अपेक्षा से, और फिर हमने बाद में क्या कह दिया, अपनी रुचि से डूब रहे हैं, अपने मोह के कारण, अपने ही अज्ञान के कारण, अपनी ही वासना के कारण, हमने पहले कह दिया। हम तारण स्वामी की महिमा बताने के लिए एक कथन करा कि तारण स्वामी उभार रहे हैं और ये सारे संसारी डुबा रहे हैं, तो मान रहे संसारी जीवों की बात और तारण स्वामी की मान नहीं रहे, इसलिए तुलनात्मक वर्णन। डूब तो अपन स्वयं रहे हैं, निमित्त हो गए। हाँ, यहाँ तारण स्वामी अपने को भाव पार लगाने का निमित्त बन रहा है, इनकी बात स्वीकार कर रहे हो या पुत्र परिवार का मोह राग अपने को इस संसार में डुबाने में निमित्त बन रहा है, इनकी बात सुन रहे हो, जे कहना आपका अभिप्राय हो, जो डुबाने वाले हैं उनका साथ दे रहे हो या जो तारने वाले तारण तरण है उनका साथ दे रहे हो? जो तुमसे कह रहे हैं वायु काय में जन लेना ही नहीं है अपने को, अपना तो जो तारने वाले गुरु स्वयं तड़ी अपन को तारने का माँ उसी कुछ का साथ देंगे, उन्हीं का संग लेंगे। अब ये देखो निर्णय तो आपका है, उनकी उंगली पकड़ो। व्यवहार में अपना परिणमन कर्म अधीन चल रहा है, जैसा होना है वैसा हो रहा है, लेकिन अंतर श्रद्धान में अपनी दृढ़ता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, पूर्ण सत्य का सहकार होना ही अनिवार्य है। तो जब तक भैया पूर्ण सत्य का सहकार नहीं होगा तब तुम भक्ति का सोपान नहीं, आज तो चलता है ये नहीं चलना चाहिए। आज तो चल जाएगा, देखो भैया गलती से भी मिथ्यात की छाया होता है, गलती से ही मिथ्यात की छाया में आ गए तो अनंत अनंत जन्म तक मरण करना पड़ेगा। तारण स्वामी के ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे हो, वांछन कर रहे हो, अरे कम से कम तारण स्वामी कह रहे हैं निकले आस्थान, अरे दुर्गति से निकल आए है, तो ग्रहण स्वभाव ग्रहण करो, अपना ग्रह का स्वभाव को ग्रहण करने की भावना भाव, अनंत चतुष्ट स्वभाव का दर्शन ज्ञान चरित्र में जो है उसका श्रद्धान करो कि वो मेरा पद है। और जीवात्मा यदि ऐसी दुर्गतियों से निकल के मनुष्य भाव प्राप्त करने के बाद भी यदि इस अनंत चतुष्ट में स्वभाव की श्रद्धा नहीं कर रहा है, भगवान आत्मा कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? जहाँ से आई थी हवा बन जाओ भैया, वायु बन जाओ, उड़ते रहो झंडा पेड़ बन गए खड़े, जहाँ से आई थी वहीं पर तीसरी मंजिल पर उड़ते रहो झंडा जैसे। कहाँ नहीं वायु ठसठस है चारों तरफ, सभी ठसठस बड़ी हो, तो इसलिए तारण स्वामी सचेत कर रहा है जीवात्मा यहाँ अपने स्वभाव को ग्रहण करो और मुक्ति श्री का मार्ग बनाओ। तो देखो हम बार बार कह रहे हैं ये ही छुड़ा रहे हैं और दुनिया डुबाने में निमित्त बन रही है, और तुम इनसे छूट के भाग रहे हो यहाँ वहां, तो तुम डूबे बिना नहीं रहोगे,
जीव को शुद्ध वीतराग धर्म की रुचि नहीं है, जीव को शुद्ध मार्ग की रुचि नहीं है, जीव को शुद्ध वीतराग धर्म की रुचि नहीं है, जीव को रुचि है बाहर के, हाँ बाहर के क्रियाकांड आडंबर की, बाहर की अज्ञान मानताओं की रुचि है। और यहाँ जिन शासन वीतराग शासन चिरंजीव भगवान की वाणी जो शुद्ध वीतराग धर्म की बात चल रही है उसकी जीव को रुचि नहीं। खुद देखो ना रुचि 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 रुचि, और सावधान जीवात्मा सावधान सावधान, यदि रुचि सम्यक नहीं हुई तो बस कुछ भी नहीं होगा संसार। देखो अपन चाहो तो पृथ्वी काय का निरूपण चालू कर सकते हैं, लेकिन पहले पक्का कर लो कि वायु काय में हमारा आत्मा नहीं जाएगा। हाँ पक्का बिल्कुल निश्चय से बोल रहे, पक्का नहीं जाएगा, व्यवहार से नहीं बोल रहे। यदि 363 धर्म की तो छोड़ना पड़ेगा, तो धर्म 363 मत छोड़ना पड़ेंगे, ये छोड़ने की हिम्मत। इसलिए पहले एकदम ठोस निर्णय कर लो भगवान जी, भीतराग जिन शासन के अलावा और कुछ नहीं, भगवान सर्वज्ञ देव की वाणी के अलावा और कुछ स्वीकार नहीं। यदि और कुछ स्वीकार है तो फिर कभी नहीं छूट पाएंगे, और यदि भीतराग सर्वज्ञ देव की वाणी अकेली स्वीकार है तो फिर इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति हमें इस दुनिया इस दुर्गति में जाने में सामर्थ नहीं है। नहीं भैया इसी मंगल भावना के साथ अपन बात का निरूपण पूरा कर रहे हैं, इति बात का है निरूपण। अब हमारा इस गति से कोई लेना देना नहीं, पक्का हो गया। श्रेष्ठ सम्यक दर्शन, श्रेष्ठ सम्यक ज्ञान और श्रेष्ठ सम्यक चारित्र और बल वीर विज्ञान, अपने विज्ञान में स्वभाव का बल अनंत वीर मेरे अंतर में है, और मेरा काम इतना है कि मैं अपने श्रेष्ठ स्वभाव में रमण करता हूँ बस। और अपने श्रेष्ठ स्वभाव में रमण करेंगे तो सब कर्म का भुगतान दुख संसार में जन्म मरण सब अपने आप ही मिला जाएगा। इतनी स्वतंत्रता तारण स्वामी ने दी अपने को, और इतनी स्वतंत्रता देके जीव के अंतर में आध्यात्मिक चेतना का विकास करना है। और जब जीव के अंतर में इस आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है, जब जीव को बोध होता है अरे 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 मैं तो जीव हूं, और इन दुर्गतियों में बेचारे जो जीव दुख भोग रहा है उनकी कितनी बुरी गत है। अब आपको लगेगा कि हाँ भैया देखो भैया कितना सुगम है जैन धर्म, और इस जैन धर्म को प्राप्त करके हमने क्या पाया है। आज तक जैन धर्म पाने का बहुमान भी नहीं आता, लेकिन जब अपन इन गतियों को देखेंगे ना और तारण स्वामी के इस उपदेश से अपने स्वभाव की महिमा सुनेंगे तब हमें बहुमान आएगा कि ये क्या अद्भुत है जैन धर्म। इसके अलावा इन स्थावर काय के निरूपण करने वाला भगवान की वाणी के अलावा इस सूक्ष्म रहस्य को बताने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। अब तो महिमा आएगी कि अरे हम जैन हैं, जिनेंद्र के वंशज हैं, और क्या करने वाले हैं, इस जन्म मरण का अभाव करने वाले। अपन ये कहेंगे बच जाते भैया छह वहां आठ समय में 608 जीव निकलेंगे और वही निकलेंगे और वही मोक्ष जाएंगे। अरे ऐसा थोड़ी ना, अपन भी तो यहाँ पढ़े हैं, अपने को मोक्ष जाना है कि नहीं जाना। अब वो तो 608 निकलेंगे, कब मनुष्य भाव प्राप्त करेंगे, कब मोक्ष जाएंगे, अपन तो वहां से निकला है भाव पे जनवाणी की रुचि लग रही है। अपन तो वो निकलेंगे भैया छह माह आठ समय में 608 जीव निकलेंगे, चौथे काल में जाएंगे और मोक्ष जाएंगे। अरे उनकी कहानी तो बहुत दूर की है, अपनी कहानी तो पास की है कि नहीं। अपन तो अभी भगवान की अमृत देशना को स्वीकार करके अभी अपना काम बना के भैया अपने को मोक्ष मुक्ति श्री का वरण करने का मार्ग बना सकते कि नहीं बना सकते भैया। और जब अपन अपना मार्ग बना सकते हैं मनाओ ना फटाफट। आज मार्ग तो बता ही गए नट के जैसा नाटक करो
संसार तो खेल तमाशा है, नट जैसे नाटक करो, घट घाट तुम कहाँ घाट घाट का पानी पी रहे हो संसार। अब हमारी अपेक्षा से उसका सूत्र का वांछन नहीं कर रहा, कहने की अपेक्षा से भैया कहाँ कहाँ कुछ कर रहे हो, संसार एक ड्रामा है, कहाँ तुम राग देश की घाट का पानी पी रहे हो। अरे एक काम करो, सट साठ आत्मा में सट के बैठो, लट लाट रत्नत्रि की लट समारो और झट झाट शीघ्रता से मुक्ति श्री को प्राप्त कर। इतनी देरी मतलब इतनी देरी मतलब आप तो अपन यहां जब कारण स्वामी की बात सुनते हैं भैया, तब अंतर चेतना में ऐसा लगता है कि हाँ हाँ कुछ है, और जब तक जनवाणी नहीं सुनते, जब तक गुरुदेव की बात नहीं सुनते, जब तक ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं, संसार ही सब कुछ है। संसार में मन वचन काय में वहां पूरी पूर्ण पड़ा लगने लगता है कि दुकान मकान मकान घर जैसे यही सब कुछ है, और जब तारण स्वामी की बात सुनते हैं फिर ऐसा लगता है कहां मर रहा है भगवान जी और कब तक और मरना है ये बताओ, लगता कि नहीं लगता, लगता कि नींद में यहां भी नींद लगी रहती है, तो बस ये तारण स्वामी चेतना को जगाने का काम कर रहा है। देखिए आगे विस्तार से चलते हैं अपन, अथ पृथ्वी काय निरूपण, क्या प्रारंभ हो गया। अच्छा बताओ आप काय पे बैठे हो अभी, पृथ्वी काय पे बैठे हो, पृथ्वी काय पे बैठे हो, आपने ये निर्णय करके बताओ काय और काय में क्या अंतर है। रोज ही बता रहा है जब भी भगवान, चलो आज फिर बता रहा हूँ, मैं पहले आपसे पूछा था आप पृथ्वी पे बैठे हो या पृथ्वी काय पे बैठे हो, पृथ्वी कायिक पे बैठे जीवों पर पृथ्वी जिन जिसका जीव मतलब जो जीव पृथ्वी ही जिसका जीव है, सीधी बात है पृथ्वी ही जिसका शरीर है। अच्छा कायिक पृथ्वी कायिक पे कायिक मतलब कायिक मतलब जिसने उस शरीर को ग्रहण कर लिया है, जिस जीव ने वो शरीर ग्रहण कर लिया अपन काय बैठे हैं, बिल्कुल सही म्यूट जिसने खोल के बोला है अपन पृथ्वी कायिक पे बैठे हैं। अब बताओ इस पृथ्वी भाई साहब ने बताऊं, हाँ बताइए थोड़ा सा, ना पृथ्वी कायिक पे बैठे ना पृथ्वी काय पे बैठे, हम अपने स्वचतुष्टय में आकाश में बैठे हैं अपने स्वक्षेत्र। अरे भगवान जी अभी हम स्पर्श ही नहीं करते, हम किसी को स्पर्श ही नहीं कर पाते, अरे सल्ला जी अभी पृथ्वी काय का निरूपण चालू हो रहा है, थोड़ा डरा तो लेने दो, थोड़ा बैराग उत्पन्न कर लेने दो, अब यहाँ बैराग ही नहीं आ रहा। आपने सीधे निश्चय की बात से और सीधे आत्मा में ले गए, अच्छी बात है, लेकिन अभी हमें शुरुआत तो कर लेने दो पृथ्वी काय की, लोगों को समझ में तो आ जान दो कि पृथ्वी काय क्या है और हम कर क्या रहे हैं। अच्छा ठीक है आपकी बात बढ़िया है कि आत्मा तो अपने स्वचतुष्टय में स्थिर है, और अभी अपने पढ़ा श्री सम्यक दर्शन श्री सम्यक ज्ञान श्री सम्यक चरित अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर, जे आत्मा अशरीरी है सल शंका सत दोष सबसे रहित है, लेकिन ये पढ़ने के बाद अब विशुद्धि बढ़ानी कि नहीं बढ़ानी, और विशुद्धि बढ़ानी है तो स्वभाव का आश्रय लेना पड़ेगा, और यदि मन स्वभाव का आश्रय नहीं ले रहा तो फिर उसे वैराग का सहारा दिलवा के गुणस्थान बढ़ाने की नहीं बढ़ाने, चौथे में पड़ा रहना है, पांच में चाहिए कि नहीं चाहिए, छठा सातवां चाहिए कि नहीं चाहिए, ये चौथे में हो और गुणस्थान बढ़ाने हैं आपको अपने, तो स्वभाव का आश्रय बढ़ाने के लिए वैराग का चिंतन करना पड़ेगा। बस हम वही बात पे आ रहे हैं, वैराग के चिंतन पे आ रहे हैं, क्योंकि किसी भी अपन कायिक का अपन वर्णन प्रारंभ करते हैं तो पहले वैराग वैराग की बात करते हैं, ठीक है। तो वैराग की बात करने के लिए अपन सबसे पहले क्या शुरुआत करते हैं, ये पहले बता पृथ्वी कायिक है क्या, जिसका जिसकी काया ही पृथ्वी है। अब बताओ ये जब अपन चलते हैं, वैसे आत्मा तो चलता नहीं है, आत्मा में तो वजन ही नहीं, लेकिन जब सा शरीरी अपन अविवेक से चलते हैं तब काय में चलते हैं, पृथ्वी कायिक पे चलते हैं। देखो भैया पृथ्वी देखो वैसे वास्तव में पृथ्वी ठोस कठोर भूमि ये तो अचेतन है कि नहीं, इस पृथ्वी में जान है क्या,
चलिए बताओ, इस पृथ्वी में जो पुद्गल परमाणु रूप पृथ्वी है, जो अचेतन है, इसमें जान है क्या? और जो इसमें जीवन है, जैसे पृथ्वी का एक जीव में जान नहीं है ना, इस खंभे में जान, हाँ पुद्गल परमाणु है इसमें, एक इंद्रिय मान लो खदान से पत्थर निकल आया गिट्टी आदि के रूप में, क्या फिर उसमें डबल से जीव आश्रय, उसके आश्रय जीव नहीं आएंगे क्या? एक इंद्रिय नहीं आता, नहीं आता उसके बाद बताओ भैया, उसकी चेतना खत्म हो जाएगी, पर मतलब उसके ऊपर जो, अब हमें सूक्ष्मता से विचार करें अपन, देखें यदि खदान से पत्थर बाहर निकल आया है, तो खदान में था तब तो वो एक इंद्रिय स्वामी था कि नहीं था? अब एक इंद्रिय स्वामी था, अब आपने खदान से पत्थर निकाल लिया, तो अब जो पत्थर निकल के आ गया वो क्या उस पत्थर के आश्रय से, वो एक इंद्रिय स्वामी खदान था, वो तो एक इंद्रिय का स्वामित्व था, वो तो आपने अलग कर लिया, लेकिन क्या उसके आश्रय से जो एक इंद्रिय स्टोन के आश्रय से, पत्थर के आश्रय, गिट्टी के आश्रय से जो अनंत अनंत जीव पृथ्वी कायिक जो उत्पन्न होंगे, अपर्याप्तक आदि, एक इंद्रिय पर अपर्याप्तक आदि, क्या वो उसमें उत्पन्न होंगे कि नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? ऐसा कौन है सिद्धांत का? जब उसकी काया ही है, जब वो पृथ्वी उसकी काया ही है, तो भैया निश्चित समय तक ना हो, ऐसा हो सकता है? लेकिन ऐसा तो और देखेंगे, हमने देखा नहीं, लेकिन हमारा अभी चिंतन से बोल रहा है, अभी आगे से देख के नहीं कह रहे, लेकिन हमें देखते हैं जहां तक है उसमें जीव उत्पन्न होने ही चाहिए, क्यों दिवा क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो उसका उत्पत्ति स्थान है। अब जैसे भैया जी माने जो बड़ी शिला है मतलब उसकी, तो उसकी गिट्टी होती है मशीन से, तो वो टूटती है फिर, तो उसमें तो जीव उत्पन्न होंगे, वही तो हम कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, ये पुद्गल जो खदान से अलग भी हो गया है, वो पुद्गल, वो ये पृथ्वी जो है ठोस, ये पृथ्वी जीव की उत्पत्ति स्थान है। तो आपने ये जो उदाहरण दिया है, ये एक शरीर की अपेक्षा से उदाहरण दिया है, संगीत पंच इंद्रिय पानी की अपेक्षा। अब आप बताओ, वो हाथ फड़कना बंद हो गया, तो क्या उसमें एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय जीव नहीं है क्या? अनंत क्या है? आप जो तर्क करते हो वो तो हमारे लिए बच्चों वाले साबित है, उससे कुछ नहीं होना, वही कह रहा, वो तो मजाक है। लेकिन बात इतनी सी है, आप ये बताओ कि वो जीव का उत्पत्ति स्थान है कि नहीं है? और जब वो जीव का उत्पत्ति स्थान है, तो वहां जीव की उत्पत्ति हो सकती है कि नहीं हो सकती? अब जब वो उत्पत्ति स्थान है जीव का, तो वहां जीव की उत्पत्ति पाई जाएगी नहीं पाई जाएगी, और हम आज देख लेंगे फिर। लेकिन अभी हमने इस बात को प्रमाणित नहीं कहा, लेकिन कहा है, ठीक है। चलिए आगे अपन क्या कह रहे हैं, पृथ्वी काय और पृथ्वी जीव। पृथ्वी से अपन ने मिट्टी जो उठाई वो तो निर्जीव हो गई, पर उसमें अगर वो रखी रहे और वैसा भी उसको जीव, उसने सभी चीज का प्राप्त हो, तो उसमें कई जीव उत्पन्न हो जाते हैं, पर पृथ्वी का जीव उत्पन्न नहीं हो, जो पृथ्वी में जो था पहले वो नहीं आएगा, पर नए जीव उत्पन्न हो सकते हैं उसमें, वो जीव रहित होती ही नहीं। नहीं, वो आप तो फिर दो इंद्रिय जीव की अपेक्षा से बोल रहा कि वो गीली मिट्टी में ऊस हवा पानी का संयोग मिलेगा, तो वो दस काय जीव पर हो जाएगा। एक इंद्रिय जीव, अपन जो मिट्टी लाते हैं गमले में लगाते हैं, तो उसमें भी एक इंद्रिय जीव पनपता है कि नहीं पनपता? वो एक इंद्रिय वनस्पति काय का जो आप कह रहे हैं, वनस्पति काय उत्पन्न होगी, वो तो वनस्पति काय है, वो मिट्टी स्वयं एक इंद्रिय है,
और यदि वो चीज जो पहले एक मिनट यदि उस मिट्टी में यदि एक इंद्रिय दूसरे चीज में पड़ता है यदि उस मिट्टी में एक इंद्रिय जीवत्व की शक्ति नहीं होती तो उसमें से वनस्पति काय उगता ही नहीं। हाँ, इसलिए उसमें है शक्ति तो वहां जीव है मानना ही पड़ेगा। और हम प्रमाण सहित आपको दे देंगे आज शाम तक अंत्या करो। बाकी अपन क्या कह रहे हैं पृथ्वी पृथ्वी काय और पृथ्वी जीव इन तीनों में अंतर समझ में आगे नहीं आया। अपन कई बार समझाते हैं पृथ्वी कौन है अपन अपन भैया पृथ्वी को भैया क्या अपन ऐसा कह सकते हैं कि जो पत्थर चट्टान से कट के अलग हो गया उसमें फिर कभी जीव नहीं आया पृथ्वी नहीं कभी नहीं कह सकते मिट्टी खोदी हुई रखी उसमें तो जीव आ सकता है लेकिन पत्थर से जो चट्टान से जो पत्थर कट के अलग हो गया तो उसके बढ़ने की क्षमता तो हम हाँ उसकी बढ़ने की क्षमता हाँ उसमें बढ़ने की क्षमता नहीं है ये बात अपन कह सकते हैं। लेकिन जब हम सेठ गोमट सार जी की जीव कांड कुछ पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि गिट्टी में भी उसमें कुछ समय अवधि दी थी कि गिट्टी में भी शायद उस क्योंकि वो उसका उत्पत्ति स्थान है तो वहां जीव बढ़ने वही इसलिए हमने कंफर्म नहीं कहा। हम देखेंगे आज जरा अच्छे से खोज के फिर बताएंगे यदि बेनन महाराज जी हैं तो उनसे पूछ लेना। तो यहाँ क्या कह रहा है कि उत्पत्ति स्थान है वो जीव की अब उसमें बढ़ने का चांस नहीं है घटने का चांस नहीं है तो इस अपेक्षा से अपन क्या कह सकते हैं कि शायद वहां जीव ना हो। लेकिन फिर अपन और देखेंगे और बताएंगे और विचार करेंगे इस बात पे तब तक के लिए इस बात को हम यहाँ छोड़ रहे हैं। तो अपन यहाँ क्या कह रहे हैं कि अपना मूल उद्देश्य क्या है कि अपने को यह स्वीकार करना है कि पृथ्वी पृथ्वी काय और पृथ्वी जीव तीनों में अंतर समझ में आ गया कि नहीं आ गया पहले। हाँ पृथ्वी जीव कौन सा भैया जी दो तो ठीक है पृथ्वी जीव क्या होता है पृथ्वी जीव हमने कितने बार बताया बिगड़े गति में जब जीव क्या करता है दो एक समय दो समय तीन समय रहता है तब तक पृथ्वी काय को ग्रहण लेकिन पृथ्वी नाम कर्म का उदय है तो पृथ्वी नाम कर्म का उदय होने से वो क्या कहलाता है जहां भी पृथ्वी जीव कहा जाएगा वहां विग्रह गति की चर्चा है जहां भी पृथ्वी काय कहा जाएगा वहां पृथ्वी काय पृथ्वी सहित जीव की चर्चा है और जहां पृथ्वी अकेला कहा जाएगा वहां अचेत वहां सिर्फ पुद्गल की चर्चा है। ठीक है ठीक है ना अब चलते हैं अपन अपनी ओर कि भैया हाँ पृथ्वी काय के जीवों का शरीर के साथ होता है चलिए बता तो अनेक पुद्गलों से बना होता है मूल जीव हाँ ठोस होता है और अनंत परमाणु बड़ा अनंत परमाणु मूल जीव कोई भी बिना परमाणु के कोई बनता नहीं है। अरे उनका शरीर कैसा था मसूर की तरह मसूर की तो दाल देखी ना मसूर गोल गोल देखी ना पृथ्वी काय के जीवों का शरीर कैसा होता अच्छा। तो मसूर की तरह अपन कहते हैं ना लंबा है गोल है चौकोर है मोटा है काला है पीला है कैसा तो उनका शरीर मसूर की तरह मसूर की तरह है। ठीक है छोटा सा तो पृथ्वी के भेद क्या है और क्या है सब यहाँ लिखा हुआ है जो चंद्रकांत मणि की तरह स्फटिक मणि की तरह ये सब बहुत सारे भेद लिखे हुए हैं ये आप सब पढ़ ले आराम से आगम से लोहा तांबा आदि आदि ये सब लिखे हुए हैं यहाँ। तो अपन इस सब को छोड़ के अपन चलते हैं तारण समय क्या कहना चाहते हैं पृथ्वी का है निरूपण आस्थान आवरण थावर पढ़ लो ये अब मिला आस्थान आवरण जीव स्थावर गति में जाता क्यों है आस्थान आवरण थावर ये जीव स्थावर गति में क्यों जाएगा पृथ्वी काय क्यों हो एक ही उपाय है भैया स्थावर गति में जाना है एक इंद्रिय पर्याय में जाना है तो एक ही उपाय है कि आप आत्मा परमात्मा की जो आपने चर्च बात सुन रहे हो इसे एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो एक ही उपाय है पर्दा खुली रखो हाँ अपने कान खुले रखो एक कान से सुनो और दूसरे कान से बाहर निकाल दो सुनते रहो कि मैं आत्मा हूँ अनंत चतुष्टय में हूँ वीतराग स्वभाव वाला हूँ ज्ञान में हूँ चेतन में हूँ
मुक्ति श्री का वर्णन करने वाला हूँ, पर्याय मेरी नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, सहयोग मेरा नहीं है, एक कान से सारी बात सुनो, दूसरे कान से कर दो आउट। तो करते रहो आचरण घर में, पुत्र में, परिवार में, काम में, भोग में, विषय वासनाओं में, उपद्गल अचेतन जड़ पदार्थों में। एक कान से सुनो तो दूसरे से निकालो बाहर, तो क्या होगा? तो स्थावर काय आपको प्राप्त हो जाएगी। कितना सुख है ना, बड़े पृथ्वी बन के पड़े रहो, क्या दिक्कत है? सागरों की वो हजार कितने 22,000 वर्ष कितनी उनकी आयु, अति आयु भोगो या फिर अंतर मुहूर्त के मध्य इतने सूक्ष्म जाओ कि उसमें 12 या 24 बार जन्म मरण करो, उत्पत्ति स्थान है वहां जन्म लो मरण करो, जन्म लो मरण करो, जन्म लो मरण करो। देखो भैया, हम अपने एक चिंतन, अभी हम प्रमाण नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं एक इंद्रिय खजान के रूप में बढ़ रहा था, तब वो एक इंद्रिय एक पर्याय अकेला था, तब तक वो बढ़ रहा था, लेकिन उस उत्पत्ति स्थान में जो एक इंद्रिय पृथ्वी काय के जो जीव उत्पन्न हो रहे हैं, जो 12,000 36 बार जन्म मरण करना, वो गिट्टी में भी उत्पन्न हो सकते हैं, वो एक इंद्रिय से अलग बात आ गई, एक इंद्रिय ही है वो, मतलब वो एक जीव वाली बात अलग थी, एक स्वामी था। हमने क्या कहा, हम देख के बताएंगे, हमने भेज करी क्या, हमने आपकी बात काटी क्या, आपने सुना है, हमने पढ़ा है, लेकिन हम क्या है, पंचम काल में बुद्धि खत्म इतनी कमजोर है, यदि हमें अपना पढ़ा हुआ याद रहता तो हम आपको झटपट बोल देते, लेकिन हमने पढ़ा था कितने साल पहले, 3-4 साल पहले, अब वो दिमाग से है स्लिप, वो अब आपको बताएंगे हम कल, ठीक है? तो आस्थान आवरण थावर, स्व स्थान पे आवरण डालोगे तो स्थावर, जैन केनापी, आस्थान आयरन, जिनवर आयरन विशेष, आस्थान उत्पन्न उत्पन्न ज्ञान अनुमोद दृष्टि, दृष्टि प्रिय दृष्टि, बचना है कि नहीं बचना? बचना। यदि अपने को पृथ्वी काय से बचना है कि नहीं बचना? सही बताओ, सही में नहीं, सही में नहीं जाना, घूम आए सब जगह, घूम आए, मन भरा गया, हाँ स्थिर है ना आत्मा। यदि बचना हो तो जैन के नापी, जो कोई बचना चाहते हैं उनके लिए, किसके लिए? जो कोई बचना चाहता है, जो कोई एक इंद्रिय शरीर धारण करके क्या बोलते हैं स्थावर काय में रहना चाहते हैं, त्रियंश पर्याय को ग्रहण करना चाहते हैं, जिन्हें त्रियंश होने से डर नहीं लगता कि हम एक इंद्रिय स्थावर पर्याय में जाकर त्रियंश गति को प्राप्त कर लेंगे, हमारी त्रियंश गति हो जाएगी और हम एक इंद्रिय में नपुंसक पर्याय में अनंत काल तक जन्म मरण करते रहेंगे, नपुंसक लिंग हो जाएगा, एक इंद्रिय हो जाओगे, तो नपुंसक लिंग को धारण करके एक इंद्रिय पर्याय में परिभ्रमण करने से जिन्हें डर नहीं लगता उनके लिए तारण समिति कह रहे हैं इस स्वास्थान में आवरण करो और एक इंद्रिय में आराम से रहो। लेकिन जिन्हें लगता है भैया हमें नपुंसक पर्याय नहीं चाहिए, लगता कि नहीं लगता, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, हमें नपुंसक वेद नहीं चाहिए, त्रियंश गति नहीं चाहिए, द्रव से तो नपुंसक वेद नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए? द्रव से नपुंसक वेद चाहिए क्या? नहीं, त्रियंश गति चाहिए नहीं। यदि आपको द्रव से नपुंसक वेद नहीं चाहिए तो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, सीधी सीधी बात क्या करो, आस्थान आयरन जिनवर, किसके द्वारा कहा हुआ, जिनेन भगवान वाला का आयरन विशेष, इसमें विशेषता से आचरण करने की रुचि लगाओ, आस्थान उत्पन्न उत्पन्न ज्ञान अनुमोद दृष्टि, और क्या करो अपने शुद्ध स्वभाव को देखने रूप सम्यक ज्ञान की दृष्टि प्रकट करो और इसी की अनुमोद न करो, इसी को देखो, इससे क्या होगा, देखो भगवान जी मान तो लो, इष्टि प्रियो दृष्टि, अपने प्रिय स्वभाव में आचरण करने की दृष्टि प्रकट करो, क्यों करें तारण स्वामी, कहो ना तारण स्वामी अंतर्यामी जगत के स्वामी, क्यों करें हम ये सब, यदि तुम्हें पृथ्वी काय में जन्म नहीं लेना है, पृथ्वी काय का जीव नहीं बनना है, तो जीव आत्मा तो तुम सावधान सावधान और सावधान,
जब तक यदि तुम अपने आप को इस संसार में, इस संसार की अज्ञान मानता में अपने आप को उलझा हुआ पाओगे, अज्ञान मानता में लगा हुआ पाओगे, तब तक मुक्ति का मार्ग नहीं बनेगा भैया। और यदि आपको अपना कल्याण करना है तो उत्पन्न ज्ञान अनमोल दृष्टि, तो क्या करना है? अपने आत्म ज्ञान के बल से, सम्यक ज्ञान के बल से अपनी ज्ञान दृष्टि को प्रकट करना है, जिस दृष्टि के बल पे आप क्या कर पाओ, अपने ज्ञान स्वभाव की स्वस्थान की अनुभव न कर पाओ, ऐसी दृष्टि प्रकट करना है जो अपने आत्मा को प्रिय माने और संसार के जिन भाव में हम लगे हैं उन्हें अनिष्ट माने, ऐसी दृष्टि प्रकट करना। कैसी दृष्टि प्रकट करना है? जो संसार की परपर्याय की यात्रा में ना लगे। कैसी दृष्टि? जो पर पर्याय परिणमन में इस संसार अज्ञान मानताओं में ना लगे। वो कैसी दृष्टि प्रकट करना है भैया? ईष्ट प्रिय दृष्टि भैया, जो अपने ईष्ट स्वभाव से ही, ईष्ट ऐसी दृष्टि प्रकट करना है जो अपने वीतराग स्वभाव से ही प्रेम करे, जिसमें मुक्ति श्री का वर्ण हो, ऐसी दृष्टि प्रकट करना है और जिसमें तेरे की नुक्ति मिले। फिर दो ही बात समझ में आती है हमें, या तो नुक्ति या मुक्ति। आप ये बताओ अपनी कौन सी वाली है? उत्पन्न प्रियो इष्टि, इष्टि प्रियो, अपन इसका वांछन करेंगे कल। अब संजय जी परेशान ना हो, क्योंकि हम आज का वांछन इसलिए ले रहे हैं कि जूम मीटिंग हम क्योंकि एक घंटा हो गया है, बहुत सारे लोग इतनी देर तक रुके हुए हैं, 57 लोग फिर अभी भी हैं 70 से, लेकिन ठीक है। उदय भैया ले आगे क्रम, जूम मीटिंग मीट म्यूट कर रहा है, अपन शाम का चार्जी का वांछन करेंगे, ठीक। जी, जिस जीव को संसार के परिणाम से थकान आई है, उस जीव का